तांबे के सुलगते हुए बर्तन से जिसमें इतना धुआं उठ रहा है, अंदर आग लगी हुई है, इससे हम शरीर के सारे दर्द को किस तरह से खींचेंगे, आज हम इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे हैं कि किस तरह हमारे सारे चोटों पे और दर्द पे काम करता है। ये हमारे पास तांबे के पहले एक प्रोसेस आता है जिसमें हम कपिंग कहते हैं। ये एक कपिंग का प्रोसेस होता है, इससे सबको ही वाकिफ है, ये कपिंग है। कपिंग का ये काम है कि जब हम इसको बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो ये ब्लड को सक करने की कोशिश करता है। जैसे आप देखें, मैंने पेशेंट के इस फोर में, इन पेशेंट को L4 L5 में प्रॉब्लम आ रही है, मैंने इसको कपिंग के थ्रू इस तरह से सक कर दिया। सक करने के बाद हम इसमें क्या प्रोसेस क्या चल रहा है, प्रोसेस ये है कि हमने यहाँ से एयर को खींच दिया, वैक्यूम क्रिएट कर दिया। वैक्यूम क्रिएट करने से क्या होगा, जो ब्लड है, ब्लड जो है वो ऊपर के स्किन पे आने की कोशिश करता है। इससे क्या होता है कि उसका इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है, सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो जो भी आपकी नसें दबी हुई हो या दब के सिकुड़ गई हो, उस वजह से जो खून में रुकावटें आ रही है वो यहाँ से दूर हो जाता है। और देखिए धीरे 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 स्किन जो है यहाँ की रेड होनी शुरू हो जाती है। रेड होने का ये मतलब है कि उसमें जो है ब्लड सर्कुलेशन जो है वो फास्ट हो रहा है, जो ब्लॉकेज थे वो धीरे 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 खुलने की कोशिश कर रहा है। इसका उपयोग हम किसी भी अर्थराइटिस के पेन में या जनरल पेन में या चोट लग के जो पेन होती है हम उसमें भी यूज कर सकते हैं इस तरह को। अब ये दूसरी चीज, हमारे पास एक स्टिक है जो सिर्फ हर्ब्स की बनी हुई है, एक हर्ब्स होता है उसकी बनी हुई है। इसको हमने जला लिया, जलाने के बाद हम क्या करते हैं कि इसको हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं स्किन के ऊपर। स्किन के ऊपर हम सिकाई कैसे करते हैं, पेशेंट को हमने लिटा दिया और इस तरह से हमने जैसे स्पाइन को पूरे हीट देनी है, ध्यान रखना है स्पाइन को हीट करना बहुत जरूरी है। अगर स्पाइन हमारा गर्म रहता है तो आधी बीमारियां हमारे शरीर की निकल जाती है। अब इससे धुआं उठ रहा है, ये धुआं जो है और ये जो इसकी लाइट है, जो ये रेडनेस दिख रहा है, ये जो है एक लेजर की तरह बिहेव करता है और ये स्किन के अंदर जाता है, जिससे जो है वो दर्द को सारा खींच लेता है। और ये किस दर्द में काम करता है, ये स्पेशली उस दर्द के लिए है जब आपको ठंड की वजह से हो, चाहे वो अर्थराइटिस का पेन हो, कफ कोल्ड के, ब्रोंकाइटिस के केस में, उस केस में ये आपके सारे दर्द को खींच के और आपको बहुत अच्छा रिलैक्स दिलाता है। अब हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट हमने ये जो लिया है कॉपर का, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, एक हमारा ये कपिंग और एक हमारा जो ये हमने इस स्टिक से सिकाई की, ये दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं, इस दोनों के कंबाइन से ये हमारी बहुत ही अच्छी इंस्ट्रूमेंट तैयार हो गई है जिसको हम कपिंग कहते हैं विद मोक्सा। अब इसमें क्या है, देखिए हमने इस स्टिक को यहाँ जला भी लिया। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये देखिए नीचे ये हॉलो है, यानी ये सक्शन प्रोसेस को भी कर सकता है बहुत अच्छे से। अब हमने क्या करना है, सेम प्रोसेस चलेगा। अब हम जहां भी पेशेंट को प्रॉब्लम है हमने इसको पैक कर दिया, पैक करके हमने इसको लगा देना है। अब इस तरह से हम लगा देंगे और लगाने के बाद हमने इसको सक कर लिया अंदर, यानी कि वैक्यूम क्रिएट कर दिया। वैक्यूम क्रिएट करने से अब जो कपिंग का काम है वो हमारा शुरू हो गया है। और ये देख रहे हैं आप, धुएं चारों तरफ से निकल रहे हैं। अब धुएं से इनके अंदर सिकाई हो रही है, यानी जो हमने वो जड़ी बूटियों की स्टिक जलाई थी वो भी अपना इफेक्ट डाल रहा है और कपिंग जो है वो भी अपना काम कर रहा है। इस तरह से हम इफेक्टेड एरिया पे, इनके बैक पेन की प्रॉब्लम है तो हमने इस तरह से इस एरिया को किया है। अब ये वैक्यूम क्रिएट हो गया है, अब दोनों फंक्शन जो है ये चलता रहेगा। ये प्रोसेस 3 से लेकर 15 मिनट तक का करना है, अकॉर्डिंग टू द स्किन पैटर्न एंड अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज, इसको हम इस तरह से करेंगे। अब इसके फायदे कहाँ कहाँ हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसको किसी भी पेन में, चाहे वो गठिया का दर्द हो, चाहे वो चोट मोच की वजह से दर्द लग हो, या फिर जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम हो उससे भी हम पेट पे इसे लगा के ठीक कर सकते हैं। और कहाँ यूज नहीं करना है, तो खुले चोट पे, जहां चोट खुली हो, रक्त स्राव हो रहा हो, ब्लीडिंग हो रही हो, खुले पे हम बिल्कुल नहीं करेंगे। प्रेग्नेंट लेडी के नाभि के आसपास हम उस समय हल्का अगर सिकाई करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है बच्चों को पोषण देने के लिए। बाकी आप इसका हर चोट के ऊपर, स्पेशली मैं कह रही हूं जब कोल्ड से रिलेटेड हो कोई पेन, या अस्थमा का है, ब्रोंकाइटिस का है, या उस तरह से पेन है, तो आप इसको हर तरह जगह यूज कर सकते हैं। अब जैसे हम नी पेन है किसी को, तो नी के बैक में, ये बैक ऑफ द नी, हम यहां भी लगा के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसको छोड़ दिया और ये सक हो गया, यहां भी कर सकते हैं। अब किसी के पिंडलियों में बहुत खिंचाव होता है तो थोड़ा सा हम पिंडलियों पे क्या करेंगे, मसाज कर देंगे। मसाज करने से क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा खुल गया, स्टिफनेस थोड़ी सी हट गई। इसके बाद फिर हम इसी इंस्ट्रूमेंट को इस पिंडली के सेंटर पे रख देंगे
फिर सेम प्रोसेस, इसको हमने सक कर दिया, वैक्यूम क्रिएट कर दिया, अब ये सिकाई होती रहेगी और ये बहुत अच्छा रिजल्ट, अब ये पूरे ब्लड सर्कुलेशन को, इस चैनल को पूरे को खोल देगा, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाएगा, पेन में भी रिलैक्सेशन हो जाएगा। फ्रोजन शोल्डर के केस में, फ्रोजन शोल्डर के केस में क्या होता है कि हाथ आगे पीछे नहीं जाते पेशेंट के, बिल्कुल चोक हो जाता है फ्रोजन के जॉइंट्स में। ये देखिए रिजल्ट इसका, थोड़े ही टाइम में, अभी हमने एक मिनट मुश्किल से लगाया, इसमें रेडनेस आ गई, यानी ये अपना ब्लड जो है वो ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रहा था। सर्वाइकल के केस में या फ्रोजन शोल्डर के केस में हम इस जो शोल्डर प्लेट है हमारे, इस जगह पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक साथ हमने यहां लगा दिया एक को, डिफरेंट डिफरेंट साइज को हम डिफरेंट डिफरेंट एरिया के लिए यूज कर सकते हैं। हमने यहां ले लिया, अब ये प्रोसेस हमारा चलेगा, सेम काम जो यहां हो रहा था यहां भी वही होगा, नसें खुलने की कोशिश करेगी, पेन में रिलैक्सेशन होगा, फिर हम पेशेंट को थोड़ा एक्सरसाइज करा देंगे, वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। ये प्रोसेस मिनिमम 8 से 10 दिन का होगा तभी रिजल्ट मिलेगा। आप सोचेंगे आज किया हमने और इंस्टेंट हो जाए, ऐसा होगा लेकिन वो क्षणिक होगा, वो परमानेंट की ओर नहीं है। तो 8 से 10 सेटिंग लगती है इस छोटी छोटी बीमारियों को दूर करने के लिए। आप इसको घर पे खुद से ना ट्राई करें, क्योंकि ये देखिए ये सक कितना करना है ये भी हमें देखनी है, और ये हीट प्रोवाइड हो रहा है तो हीट वो स्किन पे जा रही है, तो कितनी देर उसको हीट चाहिए, कितनी देर उसकी सिकाई करनी है, ये डिपेंड करता है हमें देख के उसके, एक तो ताशीर को, कफ वात पित्त को देखते हैं और उसके बीमारी के कारण को देख के हम उस हिसाब से लगाते हैं। इसलिए घर पे ट्राई तभी करेंगे जब आप किसी भी एक्सपर्ट से, किसी भी थेरेपिस्ट से आपने ये ले लिया है, इसके बाद आप अपने आप कर सकते हैं इसको, सीखने के बाद खुद पे घर पे किया जा सकता है। उसके लिए क्या करना है कि आपने ये लंबी इसमें लगी हुई है ये नली आपने ले ली, अपने हाथ से इसको पकड़ लेंगे और यहाँ पे वैक्यूम आप इसको अपने हाथों से बना के इस तरह से दे देंगे, आप इस केस में कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको इसकी ट्रेनिंग थोड़ी सी लेनी पड़ेगी। मैं लीना श्रीज्ञान, नेचुरोपैथी एंड ऑल्टरनेटिव थेरेपी एक्सपर्ट नई दिल्ली से, मुझसे कॉन्टैक्ट करने के लिए आप करनाल प्लस के दिए गए नंबर पर जरूर संपर्क कर लीजिए। थैंक यू।